उसके बाद आपके पास 10 है, 10 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक यू वेक्टर गिवन है आपको, यू वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपको एक वी वेक्टर गिवन है और लिखा हुआ है देन द एंगल बिटवीन यू एंड वी, और आपसे पूछ रहे हैं कि यू और बी के दरमियान एंगल क्या है। तो सबसे पहले आप स्टेप क्या होगा कि आप इन जो वेक्टर को आप लिख लो, जो आपके पास यू वेक्टर है वो आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये आपके पास u है, और v आपके पास है i प्लस j माइनस k। अब देखो इनका एंगल निकालने का, देखो एंगल तो उनके दरमियान एक ही होगा, लेट से अगर इन दोनों दरमियान, दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल 45 डिग्री आ रहा है तो वो 45 डिग्री आएगा। अगर आप मतलब डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए से आप निकालो एंगल, ठीक है, या आप क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए से निकालो, दोनों में जो आपके पास थीटा होगा वो आपके पास सेम होगा, क्योंकि दो वेक्टर के दरमियान एक ही एंगल होगा, निकालने के तरीके अलग हैं, ठीक। तो अब सवाल में उन्होंने कॉस इनवर्स वाला आंसर भी दिया हुआ है, साइन इनवर्स वाला आंसर भी दिया हुआ है, ठीक। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से ठीक वाला कौन सा है, तो अब आपको देखो दोनों करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, आप जब, चलो मैं बता देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना आप ए डॉट बी, मतलब इन दो वैक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तरीका क्या होता है, ये वन है और माइनस वन है, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2, 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से करो 3, और 4 को मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से माइनस 4, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे a क्या है, u है ना, सिंपल, तो u का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 29, हाँ 29 हो जाएगा ये, तो रूट 29 मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब रूट 3 आपके पास हो जाएगा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1 ओवर रूट 29 मल्टीप्लाई रूट 3। और अगर आप देखो तो कहीं से भी आंसर नहीं आ रहा, कॉस इनवर्स 1 ओवर रूट 3 है और कॉस इनवर्स 87 ओवर रूट 29 है, इन दोनों में से ये आंसर नहीं आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स 1 ओवर रूट 29 रूट 3, ठीक है, तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है फिर हमें साइन इनवर्स देखना पड़ेगा। साइन इनवर्स आप निकालो, सबसे पहले ए क्रॉस बी आपको निकालना है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, आई जे के, मतलब डिटरमिनेंट बनाते हो। सबसे पहले जो पहला वेक्टर है उसका आई कंपोनेंट 2 है, फिर 3, फिर 4, दूसरे का 1 है और माइनस 1 है। अब आप इसको सॉल्व करो, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, आई लिखोगे तो आपके पास इसको आपने कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4, माइनस जे 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस 1 से माइनस 2 और फिर माइनस 4। अब आई होप आप लोगों को ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, के में आप इसको कंसीडर करो 2 को 1 से करो 2 फिर माइनस 3 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा माइनस 7i, ये हो जाएगा प्लस 6j और ये हो जाएगा माइनस के। ये आपके पास सिंपल आया है यू क्रॉस वी। एंगल के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा रूट 86। और ए और बी का मैग्नीट्यूड हमने पहले निकाला था रूट 29 और रूट 3। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूला कहता है साइन थीटा ऊपर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो रूट 86 के बराबर आया है, नीचे क्या है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे क्या होगा यू का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वी का मैग्नीट्यूड। देखो यू का मैग्नीट्यूड रूट 29 था, वी का रूट 3 था। एक स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर रूट 29 मल्टीप्लाई रूट 3 दोनों अगर सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके अंदर जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई कर दो आप 29 मल्टीप्लाई 3, मतलब इनको एक रूट के साए में लिखो और जो अंदर इनके दोनों था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 29 को अगर आप 3 से करोगे तो आपके पास 87 आएगा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो गया रूट 87, ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर आपके पास था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट 86 के बराबर आया, डिनोमिनेटर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपने मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जब मल्टीप्लाई किया रूट 87 आया। जब आप थीटा निकालोगे साइन इनवर्स रूट 86 ओवर 87 आ रहा है। अच्छा एक और स्टेप भी आप कर सकते हो, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है ना, तो आप एक साथ भी रूट लिख सकते हो रूट 86 ओवर 87, ठीक है, ऊपर 86 था, हाँ एक साथ लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप क्या होगा, साइन इनवर्स रूट 86 ओवर रूट 87, ठीक है।
तो थोड़ा गंदा बंदा हो गया, लेकिन ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है और फिर आप सॉल्व करोगे। 11 में लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, ये यूनिट वेक्टर निकालने के दो तरीके सवाल पूछते हैं वो। पहला तरीका ये होता है कि वो बोलते हैं कि एक वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर आपको सवाल में गिवन होगा, वो बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर निकालो, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालो या इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो। दोनों का एक ही सेंस होगा कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो या इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालो। तो तरीका क्या होगा, सिंपल जो वेक्टर है वो लिखना, डिवाइड कर देना इसके मैग्नीट्यूड से, आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सवाल में दो वेक्टर आपको गिवन होते हैं और बोला जाता है कि इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। दो वेक्टर गिवन होंगे और आपसे बोला जाएगा कि इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालो। तो उसका तरीका ये है, लेट कर लो इसके परपेंडिकुलर जो, देखो ए क्रॉस बी, इसके आंसर में एक वेक्टर आ रहा होता है, वो वेक्टर क्या होता है, नाम दे दो लेट कर लो सी होता है। तो जो वेक्टर होता है ना वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अगर आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, लेट कर लो ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, तो जब इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इससे भी 90 डिग्री बना रहा होगा, इससे भी 90 डिग्री बना रहा होगा। अब ये 3D की चीज़ है, टू डी पेज पे आपको सही तरह से नजर ना आए। जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी मेरी उंगली है, ठीक है, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल इस तरह होगा, मतलब खड़ा हुआ होगा बिल्कुल, ठीक है, मतलब 90 डिग्री दोनों से बन रहा होगा। तो करोगे क्या आप कि सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे, आपके पास वेक्टर आ जाएगा। अब वो जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और आपको बेसिकली यूनिट वेक्टर निकालना था इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो एट द एंड आपको इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो भाई, इसको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास वेक्टर आएगा सी, ठीक है। आपको निकालना था यूनिट वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर हो, इनके परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, तो अगर आप इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो तो वो इनके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो अब क्या करोगे आप, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए किस तरह आप निकालते हो कि ये वेक्टर सी है, तो यूनिट वेक्टर इस सी की डायरेक्शन में, आपको ऊपर फॉर्मूला पता है, सी डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड। मतलब जब आपको ये समझ आ गया कि ए क्रॉस बी में जो वेक्टर आया वो परपेंडिकुलर है, तो अब आप इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, वो इनके परपेंडिकुलर होगा। और इस वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने आपको ऊपर समझाया था कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका क्या होगा, नहीं ये नहीं होगा फॉर्मूला, सी क्या आपके पास ए क्रॉस बी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, अगर आपसे सवाल में बोला जाए कि आप यूनिट वेक्टर निकालो किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर, तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि आपको दो वेक्टर देंगे वो, ठीक है, और बोलेंगे कि इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप क्या करोगे, ए क्रॉस बी फाइंड करोगे डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये सवाल आया है नहीं आया, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दिया इसका। अब आ जाओ इस सवाल पे। इस सवाल में लिखा है कि यूनिट वेक्टर निकालो पैरेलल। अच्छा ये वही वाला केस है कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में या उसके पैरेलल, एक ही प्रोसेस होगा, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल किसके, सम ऑफ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के जो सम है ना, सम करने के बाद जो वेक्टर आएगा उसके पैरेलल आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो सम कर दो ना, i प्लस 2j प्लस 2k, और दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस 4k। सम करो i प्लस 3i 4i, 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2k माइनस 4k ये हो जाएगा माइनस 2k, ठीक। अब ये जो वेक्टर आया है ये दोनों वेक्टर के सम करने के बाद आया, और सवाल में बोला गया है कि इसके पैरेलल या इसकी डायरेक्शन में आप बोल दो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो तरीका क्या होगा, लेट कर लो अगर इसको हम नाम ए दे रहे हैं, ठीक है, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो आपके पास आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 20 आया इसका। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, सिंप्लीफाई करो ये क्या हो जाएगा, 4 ओवर रूट 20 आई, हो जाएगा माइनस 2 ओवर रूट 20 के।
सवाल मज़ीद सिंप्लीफाई किया मैं कर लो, रूट 20 आप किस तरह लिख सकते हो? नहीं मैंने थोड़ा सा आप लोग समझ गए, आप लोग बेवकूफ़ कह रहे होगे मुझे इस वक्त, ये मैंने गलत किया है। अगर आप 20 करो तो 5 से आपके पास 4 टाइम आएगा, 2 से कैंसिल करो ये हो जाएगा, ठीक है। अब पेयर बन गया 2 का और 5 है अकेला, तो रूट 20 को आप इस तरह लिख सकते हो 2 रूट 5। सुबह से थका हुआ ना तो ये मिस्टेक तो हो सकती है बिल्कुल, तो माजरत मेरी तरफ से। तो इसको आप लिख सकते हो रूट 20 को 2 रूट 5, तो आप लिख दो 4/2√5 आई माइनस 2/2√5 के, ये तो हो जाएगा कैंसिल, इससे 1 आ जाएगा ऊपर और ये से कैंसिल होगा ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2√5 आई माइनस 1/√5 के, ठीक है। तो 2/√5 आई माइनस 1/√5 के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद 12 पे आ जाओ, 12 पे आपके पास आपको एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड गिवन है और आपको निकालना है। अच्छा ये इन्होंने लिखा हुआ है ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ये गलत है क्योंकि ए डॉट बी पहली आपके पास नंबर है, उसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ठीक है ये आपको फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता था ए बी कॉस थीटा। देखो जब आपके पास ए बी वेक्टर होते थे तो हम उस तरह करते थे कि दोनों के आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते थे, फिर जे करते थे और फिर के, ठीक है। लेकिन जब आपको वेक्टर ना गिवन हो, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लेट कर लो। इसमें मतलब ए मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, थीटा आपको गिवन नहीं है। जैसे थीटा फाइंड कर लोगे यहाँ पे पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरह करोगे? देखो ए क्रॉस बी गिवन है ना, तो आपको एक और चीज़ याद आ रही होगी। अगर आप इस फॉर्मूले को कंसिडर करो, ये फॉर्मूला था साइन थीटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी। अगर आपको याद हो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम इस तरह एंगल निकालते थे, तो आप आराम से यहाँ से एंगल निकाल सकते हो। ए क्रॉस बी 8 के बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर है, बी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 4/5। तो साइन थीटा हो जाएगा 4/5 के। अब आप चाहो तो कैलकुलेटर से आप लिखो साइन इनवर्स 4/√5, ठीक है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जिनके पास कैलकुलेटर नहीं होता या भाई जो खुद करना चाह रहे हैं वो इस तरह भी कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हमें बेसिकली कॉस थीटा निकालना था ना यहाँ पे। कॉस थीटा क्या होता है, तो कर ली ब्लैक हेयर हाँ बी ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हो जाएगा भाई, पर बेस निकालने का तरीका सिंपल है कि 25 - 16। जो आमतौर पर स्टूडेंट बोल लोगे कि क्यों सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है भाई। तो बेस यहाँ पे आ जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज 5 के बराबर है, तो कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है 3/5। और यहाँ पे आप पुट कर दो, ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है। कॉस थीटा चाहो तो कैलकुलेटर से निकाल लेना कैसे, देखो यहाँ से थीटा निकालना, थीटा यहाँ पे पुट करना, आपके पास मतलब कॉस थीटा ही आ जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट निकाला है कॉस थीटा 3/5 आ रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 2 × 3 = 6, तो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर लिखा हुआ है फॉर अ फोर्स एफ एफ एक्स एंड एफ वाई, एक फोर्स एफ है उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है एफ एक्स और एफ वाई का, ठीक है। और आपसे बोला हुआ है देन द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस, वो बोल रहे हैं एफ और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल निकालना है। देखो ये इन्होंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया, लेट कर लो एक फोर्स है एफ, उसका एक्स कंपोनेंट आपको गिवन है, ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये आपको वाई कंपोनेंट गिवन है, और ये थीटा है जो एक्स एक्सिस और ये एफ के दरमियान बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला फाइंड करने का ये तरीका होता है, वैल्यू फाइंड करने का, टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, ये आपको आई थिंक आता ही होगा अगर आप चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पढ़ा हो आपने तो। टेंजेंट इनवर्स, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का 6 6 है, तो 6/6 1 के बराबर होगा, और आपको पता है टेंजेंट इनवर्स 145 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ से एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है।